नगर निकाय चुनाव को लेकर सारी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में राजनेताओं की एक दूसरे के ऊपर हमला बोलने की कवायद लगातार जारी है। बता दें कि नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने गठबंधन सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि निकाय चुनाव में प्रदेश से गंदगी साफ हो जाएगी। अब तक जहां जहां भाजपा के चेयरमैन हैं, जहां मेयर, वहां सबसे ज्यादा मच्छर है, सबसे ज्यादा कूड़ा और गंदगी है। वहीं सबसे ज्यादा डेंगू भी फैला है, जबकि प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के लिए खुद झाड़ू उठाई और सफाई कर्मियों के पैर भी धोए, लेकिन इसका कोई असर भाजपाइयों पर नहीं दिखा। उन्होंने आगे कहा कि जहां जहां सड़कों के किनारे कूड़ा है और गलियों में गंदगी है, वहां बीजेपी के मेयर हैं। निकाय चुनाव की तैयारी है और निकाय चुनाव की तैयारी है, जहां जहां बीजेपी के चेयरमैन हैं, जहां जहां बीजेपी के मेयर हैं, वहां सबसे ज्यादा मच्छर हैं, सबसे ज्यादा कूड़ा है, सबसे ज्यादा गंदगी है। और तब है जब प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू उठाया, झाड़ू लगाया, उन्होंने तमाम एम्बेसडर्स बनाए झाड़ू मारने के लिए और स्वच्छ भारत अभियान चलाया। तो ये कैसा स्वच्छ भारत अभियान है जहाँ कूड़ा सड़कों के किनारे, गलियों में, मोहल्लों में पड़ा हुआ है और सब चेयरमैन मेयर इन्हीं के थे, जिसकी वजह से कूड़ा की परेशानी है। आरएलडी के साथ में गठबंधन करके जो हमारी पार्टी का गठबंधन है, वही गठबंधन आगे रहेगा।